भांग ठेका की आड़ में गांजा खपाते दो लोगों को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। 40,000 का 4 किलो गांजा और बाइक जब्त। शिवपुरी जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए दो लोगों को भांग ठेका की आड़ में गांजा खपाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 40,000 कीमत का 4 किलो गांजा और अवैध मादक पदार्थों के परिवहन में उपयोग किए जाने के आरोप में एक बाइक को जब्त किया है। कोतवाली थाना प्रभारी रोहित दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को मुख्य द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि पोहरी बस स्टैंड शिवपुरी पर दो लोग भांग के ठेका के आड़ में अवैध रूप से गांजा बेचने का धंधा कर रहे हैं। सूचना पर कोतवाली पुलिस ने भांग ठेका दुकान पर दबिश देकर दिनेश पुत्र सरवन सोनी निवासी नमो नगर छुट्टन उर्फ संतोष पुत्र गोपाल कुशवाहा निवासी छतरी कॉलोनी को अवैध गांजा बेचते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से 4 किलो गांजा, एक बाइक, अवैध रूप से गांजा विक्रय के 24,400 रुपए जब्त किए हैं। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज कर न्यायालय में पेश किया, जहाँ से इन्हें जेल भेज दिया गया है। विगत कुछ दिनों से पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि जो शासकीय भांग के जो ठेके हैं, जो पोहरी बस स्टैंड पर बना हुआ है, यहाँ से गांजा अंजा सप्लाई होता है। पुलिस लगातार अपने मुखबिरों को एक्टिव किए हुए थी। सीमा पुलिस अधीक्षक महोदय का भी आदेश है कि किसी प्रकार की अवैध गतिविधि संचालित ना हो पाए, इस पर से ही कल मुखबिर सूचना पर से पोहरी बस स्टैंड पर दो व्यक्तियों को शासकीय भांग के ठेके पर से गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसमें 8/20 NDPS एक्ट की कार्रवाई की गई है। गांजा लगभग 4 किलो है, जिसकी कीमत 40,000 है। एक मोटरसाइकिल भी जब्त हुई है, जिसकी कीमत लगभग 50,000 है। प्रकरण में धारा 29 के तहत भी कार्रवाई की गई है, एवं शासकीय भांग जो ठेकेदार हैं, तो धारा 29 के तहत उन्हें पुलिस जाँच कर रही है, और यदि उनके मामले हैं तो उनको भी कोर्ट में साथ में लगाया जाएगा। वहीं से वो संचालित कर रहे थे, भांग की आड़ में गांजे की सप्लाई चल रही थी।